हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए कैप लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं तीन कलर आपको दिखा रही हूँ, रेड, ब्लू एंड स्काई ब्लू। आपको जो कलर पसंद हो आप उस कलर में बना सकते हैं। तो अभी मैंने जल्दी में एक जैकेट और पैंट की वीडियो डाली थी, तो आप लोगों ने बोला था कि मैम कैप बनाना भी बताएँ, तो इसलिए मैं कैप लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने 100 चैन डाल ली हैं। तो आप मेजरमेंट करें तो इस तरीके से बच्चे के करें, चैन बनाकर और उसके सर पर रख कर इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। आपको सही आइडिया मिल जाएगा कि बच्चे का आ जाएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अगर आप लोगों ने जैकेट की वीडियो, पैंट की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखें। और देखिए, मैं तीन चैन छोड़कर चौथी चैन में डालकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रही हूँ। और देखिए, अब हर चैन में डालकर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से चैन में डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, इस वीडियो के लास्ट में भी वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने वो जैकेट और पैंट नहीं देखी तो ज़रूर देखें। मैंने थालपोस से एक जैकेट बनाई, नई तरीके की जैकेट है, नई तरीके की पैंट है, ऊन बहुत कम लगती है, तो ज़रूर देखें। और देखिए, इस रो को हमें ऐसे ही कम्प्लीट करना है, डबल क्रोशिया से कम्प्लीट करना है, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए, इस रो सेकेंड रो में हमें क्या करना है, तीन चैन लिए हैं हमने और इसको हम बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए, पहला फंदा हम इस तरीके से लेंगे, क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से लेंगे। दूसरा फंदा हम इस नीचे से क्रोशिया डालेंगे और इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो एक फंदा हमें ऐसे क्रोशिया डालकर बनाना है और एक फंदा हमें नीचे के साइड से बनाना है। देखिए, इस तरीके से बनाना है, तो ये बॉर्डर बनकर आ जाएगा। देखिए, फिर हम एक फंदा ऊपर के साइड से लेंगे ऐसे और बनाएंगे, और दूसरा फंदा हम नीचे के साइड से डालेंगे इस तरीके से और बनाएंगे। तो इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है, फिर आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक फंदा इस तरीके से डालेंगे और फिर दूसरा फंदा हम इस तरीके से डालेंगे। तो इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करके फिर मैं सेकेंड रो में क्या करना है फिर आपको बताती हूँ। देखिए, ये रो कंप्लीट कर लिया, एंड सेकेंड रो में क्या करना है। तो सबसे पहले हम तीन चैन लेंगे यहाँ पर। अब देखिए, जो फंदा ऊपर से दिख रहा है उसको हम ऊपर से बनाएंगे और जो फंदा पीछे से दिख रहा है उसको हम पीछे से बनाएंगे। तो देखिए, ऊपर वाला फंदा इस तरीके से लेंगे और इसको बना लेंगे डबल क्रोशिया। आप जो आपको पीछे से फंदा दिख रहा है उसको हम इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे। फिर से देख लीजिए, इस तरीके से डालेंगे और इसको बनाएंगे। देखिए, जो ऊपर से दिख रहा है उसको इस तरीके से बनाना है और जो पीछे से फंदा दिख रहा है उसको पीछे की साइड से डालेंगे इस तरीके से, देखिए, और उसको बनाएंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है और सेम ऐसे ही हमें दो रो और कंप्लीट कर लेनी है, टोटल चार रो हो जाएंगी। तो इतना बॉर्डर बच्चे के लिए ठीक है। फिर आगे हम डिजाइंस डालेंगे, तो डिजाइंस कैसे डालनी है फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, बॉर्डर कंप्लीट हो गया। तो आप चाहें तो बड़ों के लिए भी बना सकते हैं, बड़े लोगों के लिए बना सकते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने घर में बनाई है, ऐसा लगेगा रेडीमेड लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छी डिजाइंस है और बहुत अच्छा लुक आता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरे कलर की ऊन ज्वाइंट कर ली है। यहाँ पर मैंने चार चैन ले ली है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए, 1 2 3 चैन छोड़कर चौथी वाली में, ठीक है, चौथी वाली चैन में डालकर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी में डालकर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। टोटल 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब जिसमें हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे और इस तरीके से फंदा ले लेंगे, वापस फिर से डालेंगे, फिर ले लिया, फिर डाला। टोटल हम 5 बार डालेंगे। देखिए, 5 बार फंदा इस तरीके से लेंगे और अब इन सब फंदों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए, इस एक साथ निकालेंगे हम, एक साथ निकाल दिया, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, देखिए, 1 2 3 4 देखिए, तीन चैन छोड़ के चौथी चैन में डालकर और इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, वापस इसी में डालकर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर हम इसमें डालेंगे और फंदे 5 बार फंदे लेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सी कैप लगती है, चोटी का लुक आता है इसमें और लगता ही नहीं है कि घर में बनाई है, रेडीमेड लुक लगता है, बहुत अच्छी लगती है कैप। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए, 5 बार फंदा निकाल लिया। अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे हम, इस तरीके से निकाल दिया। देखिए, इस तरीके से डिजाइन आएंगी। अब वापस फिर हम तीन चैन छोड़ेंगे चौथी चैन में डालकर, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन में, एक डबल क्रोशिया, वापस डाला, एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गया।
अब फिर हम सेम तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर डालेंगे 5 बार। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए 5 बार डाल दिया। अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे हम। देखिए इस तरीके से बनाएंगे, इन सबको एक साथ निकाल देंगे। तो इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है, और आगे क्या करना है फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। इस रो को कंप्लीट करने के बाद आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए मैंने रो कंप्लीट कर ली है पूरी, और अब क्या करेंगे, देखिए अब हम 4 चैन लेंगे। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चार चैन ले ली। आप देखिए क्या करेंगे, हम वापस इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ अभी दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरीके से फंदा लिया, यहाँ पर डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसमें डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया वापस इसी में डालकर एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ पर डालेंगे, देखिए 5 बार हम फंदा लेंगे इस तरीके से, 3, 4 और लास्ट 1, 5। देखिए 5 बार लिया इस तरीके से फंदा, और इन सबको एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपकी डिज़ाइन बनकर आएगी। अब फिर हमें क्या करना है, देखिए अब हम यहाँ पर डालेंगे, देखिए यहाँ पर डालेंगे हम, और इसमें एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1, 2 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर हम यहाँ पर डालेंगे जो हम अभी हमने बनाया था, यहाँ पर डालेंगे, 5 बार निकालेंगे इस तरीके से फंदे। देखिए इन सबको एक साथ निकाल देंगे और एक चैन ले लेंगे। तो आपकी डिज़ाइन जो है इस तरीके से बनकर आएगी, ये चोटी की तरह बनकर आएगी डिज़ाइन, जैसे हम लोग नॉर्मली चोटी करते हैं उस तरीके की डिज़ाइन आएगी बनकर। फिर देखिए हम यहाँ पर डालेंगे, देखिए यहाँ पर डालेंगे, और एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और 2 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर हमने यहाँ पर बनाया था तो यहाँ पर डालेंगे, और 5 बार फंदा लेंगे इस तरीके से, 2, 3, 4, 5। देखिए 5 बार फंदा लेंगे और ये सबको एक साथ निकाल देंगे। तो बेसिकली आपकी जो डिज़ाइंस है वो इस तरीके से आएगी चोटी की तरह, और इसको हमें पूरा इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। सिंपल है, इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है। फिर आगे क्या करना है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट करनी है हमें। तो देखिए मैं आपको एक और दिखा देती हूँ बना के। यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया वापस इसी में डालकर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे और 5 बार हम फंदा लेंगे इस तरीके से, 2, 3, 4 और 5। इस तरीके से 5 बार फंदे लिए, सबको एक साथ निकाल देंगे। इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है। फिर आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताती हूँ, पूरी रो कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इस तरीके से डिजाइंस आएगी आपकी चोटी की तरह, बहुत ही खूबसूरत सी कैप बनेगी। तो अब यहाँ पर मैंने वाइट कलर की ऊन ज्वाइंट की है, और आप चाहें तो इस ऊन को कट भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर कट नहीं की है, इस ऊन को कट नहीं की है, आगे हमारे काम में आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने वाइट कलर की ऊन ले ली और 4 चैन ले ली। अब 4 चैन लेने के बाद यहाँ पर डालेंगे, देखिए यहाँ पर डालेंगे पहले हम, और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे, और 1 डबल क्रोशिया वापस इसी में डालकर एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे अभी हमने बनाया था सेम उसी तरीके से बनाना है। इसमें डालेंगे और 5 बार फंदा लेंगे, 2, 3, 4 और 5। देखिए 5 बार फंदा लिया, इन सबको एक साथ निकाल लेंगे, और एक निकाल दिया। अब देखिए इसके आगे वाले में यहाँ पर डालकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, 1 डबल क्रोशिया वापस इसी में डालकर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2। अब फिर हम इसमें डालकर 5 बार फंदा लेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4
पांच, ये पांच बार फंदा ले लिया, इन सबको एक साथ निकाल देंगे हम, और इसी तरीके से इस रो को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और जो सेकंड रो हमने बनाई थी इसमें सेम इसी तरीके से दूसरी रो भी बनाएंगे। तो इसको हमें जितनी भी बड़ी आपको कैप रखनी है उतनी लंबाई रख लें इसकी। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर डालेंगे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर डालकर पांच बार फंदा लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक दो तीन चार, देखिए चार और एक पांच। देखिए तो इसको मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँगी और जितनी मुझे लेंथ रखनी है उतनी रख लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बना लिया है और आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टोटल जो है पाँच रो पाँच बनाई हैं, और दो बार मैंने वाइट कलर से बनाई है और तीन बार मैंने इसकी। सबसे पहले हम इसमें सिलाई लगाएंगे, नॉर्मल सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, सिलाई लग गई है। अब मैं इसको बीच में से ज्वाइन करूँगी, तो इस तरीके से हम फंदे डालेंगे। देखिए इस तरीके से हमें डालना है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से डालेंगे हम। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम डालेंगे। देखिए तो रॉन्ग साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ, और जितने भी आपको धागे दिख रहे हैं सब कट कर दूंगी मैं। इस तरीके से डालेंगे इसको इस तरीके से हम खींच लेंगे कस के, और एक कस के खींच लिया इस तरीके से, और इसको हम खींचने के बाद भी सिलाई लगा देंगे मजबूत करके। देखिए इस तरीके से हम घुमाकर चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे, और गांठ लगाकर धागा कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सिंपल है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर गांठ लगाने के बाद दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर लगा दिया, तो ये बन गई है कैप, और बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि आपने खुद से बनाई है। आप चाहें तो यहाँ पर पॉम्पम भी बना के लगा सकते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने घर में बनाई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो अगर आप लोगों ने जैकेट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ज़रूर देखें। मैंने थालपोस बनाकर उससे जैकेट बनाई है, बहुत नए तरीके की जैकेट है, बहुत कम टाइम में बन जाती है, तो ज़रूर ये बात चेकआउट करें। और ये बहुत ही खूबसूरत सी कैप बन गई है। आप चाहें तो बड़े लोगों के लिए भी बना सकते हैं, लाइक जेंट्स के लिए बना सकते हैं, बॉयज़ के लिए बना सकते हैं, गर्ल्स के लिए बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी कैप है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट ज़रूर करें और अपनी फैमिली फ्रेंड सबके साथ शेयर किया करें वीडियो को, तो अच्छा लगेगा मुझे। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप